2012 के चुनाव में कांग्रेस पक्ष चुनाव जीतेगी और जीतने के बाद प्रजा के कौन से मुद्दे लेकर कांग्रेस शासन में आएगी, इसलिए गुजरात ने गुजरात प्रजा विकास दर्शन 2012 का एक डॉक्यूमेंट्स बनाया है 12 मुद्दा का, और ये 12 मुद्दा के साथ अपना कार्यक्रम अमल करेगी। ये 12 मुद्दा में से सबसे पहला मुद्दा होगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल सीएनजी गैस और रासायनिक खाद वो गुजरात में मिलता है। कांग्रेस पक्ष ने तय किया है कि अगर वो शासन में आएंगे तो सभी पड़ोसी राज्य से कम दाम में पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस उपलब्ध कराए जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम उसकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वेट है वो कम करेंगे। इतना ही नहीं, जो रासायनिक खाद पर आज जो वेट लिया जाता है वो कम्प्लीटली हम एबोलिश करेंगे और इससे किसानों को जो सस्ते दाम में हम खाद रासायनिक खाद है वो उपलब्ध कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वेट का लाभ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया है, अकेले एसआर ऑयल जो डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको 9,100 करोड़ का वेट माफ़ किया है, जबकि आम लोगों का वेट सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। हम उल्टा करेंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पूरा टैक्स वसूली करेंगे, जबकि आम लोगों को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको हम उसका दाम कम करवाएंगे और रासायनिक खाद है जो किसान उसका उपयोग करते हैं उसका भी दाम कम करवाएंगे, और इसकी वजह से जो उसकी इफ़ेक्ट होगी वो गुजरात में आज सबसे ज़्यादा महंगाई है वो महंगाई भी हम कम करने में कामयाब हो गए।